आईटीआई सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू का ये आज का तीसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है एसी थ्री फेज मोटर। इसके पहले के दो मॉड्यूल डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, उसे देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के मॉड्यूल का नाम है एसी थ्री फेज मोटर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें लगता है कि आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना किसके बारे में, एसी थ्री फेज मोटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एनिमेशन देखिए, इधर स्क्रीन पे आपके लगा दिया है, उसमें आप अगर देखते हो तो हमारी मोटर एसी है, तो 100% सप्लाई भी कौन सा देना है, हमें एसी देना है। इसके पहले डीसी मोटर थी हमारी, तो हमने सप्लाई कौन सा दिया था, डीसी सप्लाई दिया था। यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एसी सप्लाई तो देने वाले हैं, बट ध्यान में रखना है कि थ्री फेज एसी है। कौन सा है, थ्री फेज। तो आपको बताए आपके घर में सिंगल फेज एसी आता है, कितना आता है, सिंगल फेज, उसमें कलर कोड नहीं होता है, बट कलर कोड मतलब एक ही फेज होता है, उसके कारण कोई दिक्कत नहीं होती है। बट थ्री फेज में आपने आपके पास कितने फेज है, तीन फेज है, तो तीनों में आपको आइडेंटिफाई करते आने को ना कि कौन सा फेज कौन सा है। ठीक है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम कलर कोड देते हैं। क्या करते हैं, हम कलर कोड देते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, कलर कोड है आपका R, Y और B। ठीक है, तो ये R मतलब रेड होता है, Y मतलब येलो होता है, B मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम नहीं है, कलर कोड है और ध्यान में रखना इसे R, Y, B ऐसे डिनोट करते हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये थ्री फेज हम अपने मोटर को देने वाले हैं। कौन सी मोटर है अपनी, थ्री फेज एसी मोटर है। देखो, सिंगल फेज को आप थ्री फेज सप्लाई नहीं दे सकते हो। ठीक है, मोटर हमारी थ्री फेज है, इसलिए हम सप्लाई भी कौन सा दे रहे हैं, थ्री फेज दे रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा स्क्रीन पे देखिए, देखिए ये जो बाहर का पार्ट है इसे कहते हैं स्टेटर, जो घूमता नहीं है उसे स्टेटर कहते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो बीच में रोटेट हो रहा उसे शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट के ऊपर ये जो रोटेट हो रहा उसे क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। रोटेट होता है करके रोटेट है, मतलब वो रोटेट होते रहता है कंटिन्यू, जब सप्लाई देंगे तब अपने आप नहीं घूमता हो। ठीक है, और ये दोनों के बीच में, मतलब ये स्टेटर और ये रोटर के बीच में जो गैप है, इस गैप में जो घूमता है वो आपका फ्लक्स है, जिसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो जो घूमती है, मतलब जो फ्लक्स आपके घूमती है ये वाले गैप में से, उसका जो स्पीड होते हैं उसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। कौन सा स्पीड, सिंक्रो, ध्यान में रखिए, बहुत मतलब काम का वर्ड है और काम की चीज़ है ये। ठीक है, और ये जो रोटर घूम रहा है, रोटर की स्पीड को बोलेंगे, एक तो रोटर स्पीड बोलेंगे या तो एक्चुअल स्पीड बोलेंगे, जो आप अपने आंखों से देख सकते हो, मतलब आप महसूस कर सकते हो कि घूम रहा है। बट ये जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो बीच में घूम रही है, वो आपको दिखती नहीं है। और दोनों में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो सिंक्रोनस स्पीड है, ये सिंक्रोनस स्पीड की स्पीड ज़्यादा होती है किससे, एक्चुअल स्पीड से। ये जो रोटर घूम रहा है, रोटर आपका धीरे घूमता है, उससे भी फास्ट कौन सा स्पीड घूमता है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक जो फील्ड है, जिसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, वो फास्ट में घूमता है, किसी को दिक्कत नहीं है। ये बस बेसिक सी जानकारी थी। अभी बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, क्या करना है आपको, जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्यों, तो आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारी मतलब जो बड़बड़ कर रहे हैं हम, तो ये वेस्ट नहीं जाने को ना, इसलिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें क्या बोलना है, तभी आपके दिमाग में घुस पाएगा ये सब, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन लगा दिया, पहला मतलब 125। इसके पहले के क्वेश्चन डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के थे, किसी को दिक्कत नहीं है देखने के लिए, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, हम पहले ही आपको बता दिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे, आप पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में आप जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड। देखिए इसके पहले हमने आपको दो स्पीड बताई, कौन सी स्पीड, एक थी सिंक्रोनस स्पीड और एक थी आपकी रोटर स्पीड, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो गैप में घूमती है उसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जो ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो आपका रोटर घूम रहा है, जो आपका रोटर, एनिमेशन भी लगा दिया है देख सकते हैं, जो आपका रोटर घूम रहा है और रोटर स्लो घूमता है सिंक्रोनस स्पीड से, तो उसको रोटर स्पीड करेंगे। तो देखो स्पीड को डिनोट करने के लिए हम यन से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, यन से। तो अभी देखिए
क्वेश्चन में बोला है कि स्लिप स्पीड फाइंड करना है। देखो कौन सी स्लिप स्पीड, तो इसको स्लिप लिख देंगे तो ये हो गया स्लिप स्पीड, एन के नीचे में आर लिख देंगे तो इसको बोल देंगे रोटर स्पीड, और एन के नीचे यस लिख देंगे तो ये हो गया आपका सिंक्रोनस स्पीड, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका फार्मूला क्या है, किसका, स्लिप स्पीड का। तो ध्यान में रखना, जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है माइनस आपके रोटर की स्पीड, ये आपका क्या का फार्मूला है, सिंक मतलब स्लिप स्पीड का फार्मूला है, दोनों का डिफरेंस किसका किसका, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड। तो ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है, यही आपका क्या है आंसर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो स्लिप स्पीड मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल आपका रोटर स्पीड, ये दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब उसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्लिप स्पीड। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर ए है, किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। देखिए एक सर्किट दिखा दी आपको और ये सर्किट में पूछा है कि ये सर्किट कौन सी है, तो आपको ध्यान में, देखो अभी ये याद करने वाला एक क्वेश्चन है ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए बस एक ही चीज़ है कि देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो स्विच लगा के इसको कहते हैं जॉगिंग, जॉगिंग वाली स्विच है, जॉगिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जॉगिंग, और उसी का दूसरा नाम है इचिंग, इसी का दूसरा नाम क्या है इचिंग। तो आपको ध्यान में रखना है ये जॉगिंग स्विच है तो ये सर्किट भी जॉगिंग वाली है। ठीक है, बट इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं पे भी जॉगिंग नहीं लिखा है, तो ये इसी का दूसरा नाम है इचिंग कंट्रोल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इचिंग कंट्रोल। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर है हमारा ए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री। अभी देखिए जो हम वाइंडिंग लगाते हैं या तो हमारे पोल होते हैं इनमें शिफ्ट होता है, मतलब एंगल होता है, हमारा एंगल नहीं होता इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, ये इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एंगल या तो एंगल फाइंड करने के लिए, देखो इलेक्ट्रिकल डिग्री, डिग्री मतलब ही क्या होता है एंगल होता है, तो उसे फाइंड करने के लिए मतलब आपके पास कौन सा फार्मूला है। तो फार्मूला सिंपल सा ध्यान में रखना है आपको कि 180 मतलब 180 मल्टीप्लाइड बाय पोल करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन में अगर देखते हो तो देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय स्लॉट वाला ऑप्शन नहीं है, देखो 180 तो 100% होना, 180 होना आपको 100% फार्मूला में। दूसरा देखेंगे तो स्लॉट है, तीसरे में देखो नंबर ऑफ पोल है बट डिवाइडेड बाय में 180 डिवाइड नहीं होना, में मल्टीप्लाई होना। तो आप देखेंगे तो ये फोर्थ नंबर पे 180 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पोल, पोल मतलब ध्रुवपथ है, आपको हिंदी भी पढ़ लेना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा डी, मतलब क्या करना है, जब भी आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री फाइंड करने को लगाएंगे तो आपको क्या करना है 180 को मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी नंबर ऑफ पोल है। ठीक है, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में हम देख लेंगे और समझ लेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। देखो स्टार्टर का एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायग्राम कौन सा है। तो अभी थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखिए, जानबूझ के हम ऑप्शन छोटे कर दिए और डायग्राम बड़ी कर दी, डायग्राम समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखिए डायग्राम इसी तरह की आपको दूसरी भी दिख सकती है, बट ध्यान में रखिए कि नीचे में ट्रांसफार्मर लगा है, क्या लगा है नीचे में ट्रांसफार्मर। तो जब भी ट्रांसफार्मर लगा है तो 100% ये जो भी स्टार्टर रहेगा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड रहेगा। तो उस ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो देखिए ऑप्शन में ये ड्यूल स्टार्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ड्यूल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इस तरह की सर्किट नहीं होती उसकी। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर वाला एक ऑप्शन दिख रहा है हमें। उसके बाद नीचे आते हैं, देखो स्टार डेल्टा दो बार लिखा है, तो स्टार डेल्टा तो है ही नहीं 100%। स्टार डेल्टा में क्या होता है, लगभग सेम सर्किट दिखेंगी बट ये ट्रांसफार्मर की जगह पे रेजिस्टेंस लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा रेजिस्टेंस लगा रहेगा, मतलब शॉर्ट करके रहेगा, तो स्टार डेल्टा हो सकता है, तो ये स्टार डेल्टा ही नहीं। तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, कौन सा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखो ऐसे एक एक एलिमिनेट करेंगे तो आपको कभी भी सॉल्व करने में कुछ सिंपल जाता है, जब हम एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कम से कम दो ऑप्शन तो आप कट ही जाते, मतलब 50-50 तो कर सकते कम से कम, मतलब चांस ले सकते हो आप। ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से कौन सा है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द सिंक्रोनस स्पीड। देखो सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या ये पूछा है, तो इसके पहले भी हमने डीसी मोटर में या तो डीसी जनरेटर में एक फार्मूला देखे थे, उसी का फार्मूला है 120 F/P। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में देखेंगे 120। ठीक है, तो 120 कहाँ पे, देखो 120 F/P। ठीक है, तो P मतलब होता है पोल और ये F मतलब क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 120 को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी, अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 Hz, और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ पोल होंगे, तो आप फाइंड कर सकते हो सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब स्टेटर और रोटर के बीच में जो स्पीड घूम रही थी, हमने एनिमेशन में दिखाया था आपको, जो आप देख नहीं सकते उसको फाइंड करने का ये फार्मूला है, किसी को दिक्कत नहीं है ऐसा कंसिडर करते। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। ध्यान में रखना नीचे में पी है, तो नीचे में पी एक भी ऑप्शन में नहीं है करके, ये पूरे आपके गलत है, पहला वाला सी है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द फ्यूज रेट
टू रन 10 HP थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो एट फुल लोड। अभी देखो एक मोटर है 10 HP की मोटर है, कितनी है 10 HP, तो उन्होंने बोला है कि इसे फुल लोड पे रन करने के लिए आप फ्यूज कितना लगाएंगे। फ्यूज का रेटिंग होता है सभी को पता है, रेटिंग कैसे 1, 2, 3, 4 नहीं होता है, सभी को पता है क्या होता है 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर 15, 16 या तो 32, 30, 25 इस तरह का रेटिंग होता है, ऐसे बीच बीच वाले नंबर नहीं होते, ये सभी को आपको पता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप क्वेश्चन में बोला है कि 10 HP की मोटर है, तो आपको अभी ये बात पता होना कि 10 HP के मोटर के लिए 15 एम्पेयर करंट होता है, कितना करंट होता है 15, ये आपको पता होना, अभी इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो 10 हमेशा के लिए मतलब जब भी 10 HP की मोटर रहेंगी तो उसका करंट रेटिंग कितना रहेगा, फुल लोड 15 एम्पीयर का रहेगा। तो हमेशा फ्यूज लगाते हो क्या करते हैं हम, डेढ़ गुना करंट रेटिंग निकालते हैं, मतलब उसको डेढ़ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उतना रेटिंग का क्या करते हैं हम, फ्यूज लगाते हैं हमेशा। तो अभी 15 एम्पीयर फुल लोड करंट है तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1.5 से, कितने से मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो आपका लगभग आंसर 22.5 के मतलब आसपास आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं 23 एम्पियर बोल सकते हैं, कितना है फुल लोड करंट 23 एम्पियर। बट आपको पता है क्या 23 एम्पियर का फ्यूज होता है, नहीं होता है, कितना होता है एक तो 16 रहेगा या तो 25 रहेगा या तो 30 रहेगा, ठीक है। तो अभी 23 के आसपास कौन सा फ्यूज हो सकता है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो 23 के आसपास 25 है, तो मतलब हमें कौन सा फ्यूज लगाना है 25 एम्पियर का फ्यूज लगाना है, ठीक है। नीचे में थोड़ा सा जो थेरी पार्ट लिखा है ये थेरी पार्ट आपको पढ़ लेना है, मतलब अच्छे से वहाँ पे लिखा के दिया है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना रहेगा 25 एम्पियर हमेशा ध्यान में रखना है, डेढ़ गुना डेढ़ से मल्टीप्लाई करता है उतना हम क्या लगाते हैं, उतने रेटिंग का फ्यूज लगाते हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट मार्क एज एक्स, देखो जहाँ पे एक्स लिखा है बोला है कि इस कॉन्टैक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी एक पहले स्विच लगा के मतलब कॉन्टैक्ट स्विच लगा के उसके बाद ये दूसरी भी लगा के वहीं पे लगा के एक ही पॉइंट पे दोनों, तो देखिए ये वाली आपकी मेन स्विच है और ये जो दूसरी जहाँ पे एक्स लिखा है ये दूसरी वाली है, जिसको क्या कहेंगे बैकअप वाली बोलेंगे, मतलब सेकेंडरी वाली बोलेंगे। तो सेकेंडरी बैकअप मतलब ही होता है हमारा ऑक्सिलरी। तो इसमें देखेंगे आप ऑप्शन में, देखो स्टार कॉन्टैक्ट डेल्टा कॉन्टैक्ट ये तो कोई मतलब ऑप्शन है ही नहीं क्वेश्चन के लायक ऑप्शन, ठीक है। अभी बचा है एक ऑक्सिलरी और एक है ओवरलोड, तो ओवरलोड ऐसे कोई स्विच नहीं है, ये क्या है दूसरी वाली स्विच है जिसको क्या कहेंगे हम ऑक्सिलरी, हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे प्रोटेक्शन होता है एक पहला मेन प्रोटेक्शन होता है उसके बाद दूसरा, मतलब ये अगर फेल हो जाए तो हम दूसरा ऑपरेट करते हैं या तो इसके बाद दूसरा वाला ऑपरेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं ऑक्सिलरी। सेम टू सेम डायग्राम में भी वही है, दो स्विच है एक पहली और एक दूसरी, ये या और दूसरी वाली ऑक्सिलरी है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑक्सिलरी पे एक्स लिखा था तो हमारा ऑप्शन क्या है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग। अभी देखो वाइंडिंग एक डायग्राम दिखा दी और पूछा है कि वाइंडिंग कौन सी है, किसी प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिए। देखिए ये दोनों ऑप्शन लगभग बास्केट वाले से मैं तो उसको छोड़ देते, नीचे में आ जाए, देखो सी वाला है इन्वॉल्यूएट, ठीक है। इन्वॉल्यूएट अगर देखें इन्वॉल्यूएट कहते हैं इस टाइप की जो स्क्वायर वाली वाइंडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब ऐसे चौकोन चौकोन दिखेंगे आपको, जिसको जटिल कुंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है इसके, इसको क्या बोलते हैं इन्वॉल्यूएट, इस तरह का तो ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, तो ये वाला कट गया हमारा सी वाला ऑप्शन। उसके बाद डायमंड है चौथा, तो ये इस तरह से जो वाइंडिंग होती है उधर देखिए इस तरह से वाइंडिंग होती है उसके कहते हैं डायमंड, डायमंड जैसा दिख रहा है ना आपको डायमंड, तो ये डायमंड जैसा भी नहीं दिख रहा आपको आप देखेंगे तो, ठीक है। तो अभी दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, कौन से एक सिंगल और एक डबल, ठीक है। तो अभी डबल और सिंगल में आप कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यहाँ पे दो दो वाइंडिंग होती है एक ही स्लॉट में तो हम इसको डबल कहते थे, अभी हर इसमें सिंगल सिंगल वाइंडिंग लगी है तो इसको क्या कहेंगे सिंगल कहेंगे, तो ये सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, कौन सी है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, किसी प्रॉब्लम नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप, कौन सा परसेंटेज स्लिप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके पहले हमने आपको स्लिप स्पीड बताया था, क्या था उसका फार्मूला, स्लिप स्किट का फार्मूला था हमारा सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड मतलब रोटर स्पीड था, किसी फार्मूला अगर ये फार्मूला याद है तो उन्होंने बोला है अभी परसेंटेज स्लिप निकालने को बोला है, परसेंटेज स्लिप मतलब उसको परसेंट यस से लिखते हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड आपको पता है, बस आपको कुछ नहीं करना है इसका फार्मूले के लिए, डिवाइडेड बाय यही सिंक्रोनस स्पीड लिख देना है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो जहां पे इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, कहां पे इस तरह का ऑप्शन, देखो ns माइनस nr अपॉन ns मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड और मल्टीप्लाई बाय कितना है 100, तो हमारा ऑप्शन कहां पे है ऑप्शन ए पे, तो 100% हमारा ऑप्शन क्या रहेगा ए रहेगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज, ठीक है। अभी ये जो कंट्रोल सर्किट लगा दिए, पूछे कि कौन सी है, तो आप देखेंगे तो सेम सर्किट, मतलब तीसरी बार आई है हमने क्वेश्चन में देखी अभी। तो ये बोला है कि कौन सी सर्किट, आप देखेंगे यहाँ पे एक स्विच लगा के यहाँ पे ये जॉगिंग वाली स्विच है, तो जॉगिंग वाला ऑप्शन नहीं है, तो जॉगिंग को ही कहते हैं इचिंग, तो इचिंग वाला ऑप्शन हमारा बी पे, तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, बी रहेगा। किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ऐसा हम कंसिडर करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द वाइंडिंग इन थ्री फेज मोटर। देखो सिंपल, तीन वाइंडिंग होती है सभी को पता है, ठीक है। कौन सी, आर वाई और बी। तो उधर डायग्राम की तरफ थोड़ा देखिए, देखो आर वाई और बी, तो ये तीनों भी फेज जो होते हैं हमारे, कितने फेज होते हैं, तीन फेज। तीनों फेज में जो एंगल होता है, 120 डिग्री का। अभी आप घुस के मत देखिए वायर के अंदर की एंगल कहाँ पे होता है, वो फेस शिफ्ट होता है, आंखों से नहीं देख सकते सकते आप, आपको इसके लिए सीआरओ पे देखना पड़ेगा। तो क्या होता है, कितना होता है फेस शिफ्ट, फेस शिफ्ट मतलब वेवफॉर्म 120 डिग्री के बाद रिपीट होता है, कितने डिग्री के बाद, 120 मतलब दूसरा चालू होता है, तीसरा चालू, जैसे कंटिन्यू तीन फेज है करके, ठीक है। तो फेस शिफ्ट कितना रहेगा, 120। अभी ध्यान में कैसे रखेंगे, देखिए जो सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है, टोटल 360 डिग्री मतलब 360 होता है, तो हमारे पास कितने फेज है, तीन, तो तीन से अगर डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 120। तो आप ध्यान में रखना है आपको कि हर फेज के बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन में भी वही पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, तो एंगल होता है 120 डिग्री। डायग्राम ध्यान में रखिए, मतलब डायग्राम की तरफ देखेंगे तो आपके दिमाग में फिट ही हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। देखो यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे एक दो तीन पार्ट है, यहाँ पे एक्स करके दे दिए, अभी पूछा है कि एक्स क्या है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी ऑप्शन को हम एक एक करके कट करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल है, बाद में बाकी के डायग्राम भी समझा देंगे आपको। पहला है शाफ्ट, तो शाफ्ट मतलब ये होता है जो पार्ट, बीच वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, शाफ्ट, जिसके ऊपर रोटर लगा है, वहां पे एरो दिखाया नहीं है, मतलब ये भी कट गया। उसके बाद ब्रशेस, ब्रशेस आपको पता है डीसी मशीन में देखे होंगे, एसी मशीन में भी ब्रश होते हैं जो स्लिप रिंग वाली मोटर होती है, ठीक है, उसके उसमें क्या होता है ब्रशेस। तो ये बाजू वाली जो कलर वाली डायग्राम है इसमें देखेंगे ये वाले आपके ब्रशेस है, क्या ये ब्रशेस, और एक्स वाला जो मार्क दिया है, ये जो पार्ट है, ये जो तीन दिख रहे हैं ना रिंग, उसको उसके ऊपर एक्स दिया है, ये है क्या, ये पूछा है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन है बीरिंग, बीरिंग सभी को पता है कहाँ पे लगाते हैं, ये रोटेट करने के लिए लगाते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बीरिंग भी नहीं है। बचा स्लिप एक, लास्ट ऑप्शन कौन सा, स्लिप रिंग। तो ये जो तीनों है, ये तीनों को स्लिप रिंग कहते हैं, जैसे डीसी मशीन में हमारे कम्यूटेटर था लगभग उसी तरीके का होता है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब देखने के लिए भी अलग है। इसमें तीन फेज है, तीन स्लिप रिंग लगी है, तो इसको कहते हैं स्लिप रिंग, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। देखो डायग्राम में भी दिखाया है अच्छे से, ये तीनों भी क्या है हमारी स्लिप रिंग है, उसके ऊपर ब्रशेस लगा देते हैं, और ब्रशेस से क्या करते हैं बाहर कॉन्टैक्ट स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, या तो रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है हमारा स्लिप रिंग, किसी को भी दिक्कत नहीं है ऐसा कंसीडर कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल। ठीक है, अभी और से वाइंडिंग की डायग्राम दिखा दी और हम उनको पूछा है कि कौन सी वाइंडिंग है, अभी क्या करना है उसको भी हम काटते काटते जाएंगे, कम कम करते जाएंगे। देखिए ये बाजू में जो डायग्राम लगा दिए, डायग्राम की तरफ देखिए थोड़ा, इसमें दो है, एक यहाँ पे कॉइल है और नीचे में भी कॉइल है, तो देखो बीच में ऐसे पार्टीशन किया है दोनों का, तो अगर दो पार्टीशन है तो इसको कहेंगे डबल, तो ये डबल की तो है ही नहीं, मतलब डायग्राम में आपको डबल जैसे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उसके बाद अगर ये सिंगल होता तो ये सिंगल बोलते थे, बट ऐसे ऐसे डायग्राम है ही नहीं, तो ये सिंगल वाला भी लेयर कट जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो उसके बाद दो ही ऑप्शन बचे, एक बचा है हाफ और एक बचा है फुल, फुल मतलब भी उसको होल कहेंगे हम, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो ये जो स्लॉट है, हर स्लॉट में वाइंडिंग आपकी घूम चुकी है, मतलब हर स्लॉट में से आपकी वाइंडिंग गई है, तो इसको हाफ नहीं गई, हाफ कब कहते थे, अगर एक एक छोड़ दिए होते तो उसको हाफ कहते थे, बराबर है। तो ये रहेंगे हमारी फुल, फुल मतलब ही क्या होता है होल, तो हमारी कौन सी वाइंडिंग ये है, होल कॉइल वाइंडिंग है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, अभी और से कॉइल का एक ऑप्शन दे दिए, अभी आप इसमें देखेंगे तो ये डायमंड शेप दिख रहा है आपको, देखो सभी को डायमंड शेप दिख रहा है, तो यहाँ पे डायमंड वाला ऑप्शन ढूंढ देंगे और मार देंगे। देखो एक दो तीसरा भी डायमंड नहीं है, ये चौथा ऑप्शन डायमंड है, डायमंड की देखो, इसके पहले डायग्राम दिखाया था आपको, मतलब कौन सी है, तो ये डायमंड वाली हेक्सागन की तरह दिखता है, तो ये हेक्सागन की तरह ही दिख रहा है डायमंड की तरह, तो ये हमारी डायमंड मेश शेप कॉइल वाइंडिंग, मतलब डायमंड शेप की, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखो सिंक्रोनस स्पीड कैसे किसे कहते हैं, स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप होती है उसमें से जो हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो घूमते हैं उसी को क्या कहते हैं हम,
क्या कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो वही पूछा है किसको कहते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे, नो लोड स्पीड भी नहीं है, फुल लोड स्पीड भी नहीं है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा, जिसको RMF कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो गैप में से रोटेट होती है और जिसको हम देख नहीं सकते, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन सी है, ये रिलेटिव स्पीड भी नहीं है, तो ये डी वाला भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन कौन सा है हमारा सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वॉट इज द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल। अभी देखो हमें नंबर ऑफ सिंबल्स दिखेंगे, तो ध्यान में रखना है जब भी एक स्क्वेयर ब्लॉक रहेंगे ऐसे, और ब्लॉक में उधर देखिए डायग्राम में, और बीच ऊपर में ऐसे ट्रायंगल दिखेंगे आपको, ऊपर में क्या दिखेंगे ट्रायंगल, जब भी ऊपर में ट्रायंगल रहेगा तो 100% ये समझ लेना है कि आपका स्टार्टर है, ये आपका क्या है स्टार्टर। अभी डिपेंड करता है कि ये बीच में क्या लगा है, तो उससे क्या होता है, उससे डिफरेंस पैदा होता है, मतलब अलग अलग स्टार्टर के नाम आते हैं जो बीच। अभी इसके, अभी देखो ये तो बॉक्स के अंदर अगर ऊपर में ट्रायंगल लगा दिए तो ये स्टार्टर है, बट कौन सा वाला स्टार्टर है ये कैसे पता चलेगा, ये जो बीच में सिंबल निकाल के होता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टार्टर कौन सा है। तो अभी देखो एक एक ऑप्शन में देखो, अगर DOL लिखा है तो ये हमारा DOL स्टार्टर है, DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो ये DOL लिखा नहीं है तो ये कट गया। उसके बाद ये देखो ये जो सिंबल लिखा है, देखो डायग्राम की तरफ ये जो सिंबल लिखा है ये आपका स्टार डेल्टा का है, क्या है स्टार डेल्टा, मतलब ट्रायंगल मतलब डेल्टा, और अंदर का क्या होता है स्टार होता है उस डायग्राम के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये स्टार डेल्टे वाले दोनों भी ऑप्शन कट गए हमारे, किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। बचा अभी एक ही ऑप्शन, कौन सा वाला, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तो ये जो बीच वाला सिंबल है तो ध्यान में रखना है इस सिंबल से, ये काय का सिंबल है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सिंबल है, किसी को दिक्कत नहीं, और से आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेम द पार्ट एज एक्स, जहाँ पे एक्स लिखा है, देखो यहाँ पे एक्स लिखा है हमने क्या कर दिया इसको बड़ा वाला बड़ा डायग्राम कर दिया इधर, क्योंकि ये वहाँ पे दिख नहीं रहा था तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मतलब आप समझने के लिए सिंपल हो जाएगा। अभी देखिए इसमें बोला है कि एक्स पार्ट किया है, तो एक्स पार्ट मतलब यहाँ पे किया है, तो ये क्या है, तो इसमें से क्या होता है हमारे ये वाइंडिंग मशीन है, सभी को बताऊंगा ये कौन सी मशीन है, वाइंडिंग मशीन है, क्वेश्चन में भी लिखा है कि ये कौन सी मशीन है, वाइंडिंग मशीन है, उस पार्ट का नाम क्या है, तो वाइंडिंग मशीन आपने देखी होंगी आपके कॉलेज में, मतलब ITI में आपके प्रैक्टिकल के वक्त देखे होंगे, या तो कहीं रखी होंगी कोने में, तो आपको देख लेना है ठीक है। तो ये जो पार्ट है बोला है कि इसका नाम क्या है, तो ध्यान में रखना है जब भी हम वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग का तार, मतलब जो वाइंडिंग का वायर होता है उसे जाने के लिए, वाइंडिंग चालू है उधर तो जाने के लिए एक सीधा रास्ता होना, जैसे सिलाई मशीन में धागा डालते हैं हम सुई में से, उसी तरह क्या होता है, एक होल वाली सुई होती है, सुई के अंदर से नीडल होती है, उसके अंदर से क्या करते हैं हम वाइंडिंग का धागा डालते हैं, वाइंडिंग का मतलब ये वायर डालते हैं कॉपर वाला ठीक है। तो ये आप डायग्राम की तरफ देखिए, ये इसमें से ऐसे वायर जाता है, मतलब आपका वाइंडिंग का इसमें से ऐसे घूम के ऐसे उधर वाइंडिंग को हमें लपेटना स्टार्ट होता है, मतलब ये सीधा जाए इसलिए इसको लगाते, तो इसका पार्ट का नाम होता है वायर गाइड कहते हैं उसको, गाइड पता है ना, गाइड मतलब जो इन्फॉर्मेशन देने वाला, तो वही वायर गाइड मतलब उसको सीधा डायरेक्शन देता है वो ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम एक बार पॉज करके देख लीजिए ठीक है। नेक्स्ट, वॉट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ सिक्स पोल रोटर। देखो इसके पहले भी हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, 180 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ पोल करना है, वहाँ पे फार्मूला भी लिखा है, देखो 180 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पोल मतलब कितने पोल देखे, तो आपके क्वेश्चन में कितना पोल दिया है, 6 पोल दिया है, किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है, 180 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, कितने से मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो आप देखेंगे तो 1800 कितना होता है, 108 होता है, और एक जीरो बढ़ा देंगे मतलब 1080 है, मतलब 1080 ये क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री रहेगा किसका, जिस मोटर को 6 पोल होते हैं, मतलब 1080 आपका क्या है ऑप्शन है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो 1080 आपका कहाँ पे, सी पे है, तो हमारा सी क्या रहेगा ऑप्शन रहेगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ठीक है। अभी देखो पेयर बोला है, पेयर मतलब दो होता है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी नीचे में फार्मूला भी दिया है कि नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पोल कैसे निकालते हैं, देखो इसका इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए कॉइल ये स्लैश मतलब पर बोलते हैं, कॉइल पर फेज पर पोल मतलब एक कॉइल में कितने फेज में कितने पोल, ऐसे क्वेश्चन का कहना है, मतलब डिवाइड करके दिया है। तो नंबर ऑफ कॉइल, तो उसका फार्मूला है टोटल, उस उधर देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेज अपन नंबर ऑफ पोल, तो कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन में देखे वो न्यूमेरिकल में पुट कर देना है वैल्यू में। तभी देखिए फार्मूला के हिसाब से हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में लिखना है नंबर ऑफ कॉइल, तो देखिए नंबर ऑफ कॉइल क्वेश्चन में देखिए क्या कितना लिखा है, 12 कॉइल, 12 कॉइल है तो ऊपर में लिख देंगे हम 12, किसी को प्रॉब्लम नहीं है
ठीक है। उसके बाद नीचे में नंबर ऑफ फेज, कितने फेज की मोटर है, थ्री फेज की। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में भी दिया है थ्री फेज की, तो नीचे में आया थ्री मल्टीप्लाइड बाय, किसी प्रॉब्लम नहीं है। पोल है नंबर ऑफ पोल, देखिए नीचे में नंबर ऑफ पोल, तो क्वेश्चन में देखिए पोल कितना है, दो पोल है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे, किसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको अगर डिवाइड वगैरह कर देते हैं तो देखो दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है छः, किसी प्रॉब्लम नहीं है। और ये तीन से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आता है दो, मतलब हमारा बचता है दो। तो बस ध्यान में रखना है कि दो हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे पेयर बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है, पेयर, दो ही हमारा आंसर निकला है, यही सही होता अगर ये पेयर वर्ड नहीं होता। सिर्फ इन्होंने नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पोल बोला होता तो हमारा टू आंसर था, बट पेयर मतलब क्या होता है, दो। सो पेयर मतलब सभी को पता है ना, पेयर मतलब क्या होता है, तो सभी को जनरल वर्ड है, आप जनरल यूज भी करते हो, पेयर मतलब दो, किसी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पेयर, तो इसको क्या करना है, पेयर निकालना है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर। किसी को भी दिक्कत नहीं है ऐसा कंसिडर करते हैं, तो फोर वाला ऑप्शन देख लेते हैं, फोर वाला ऑप्शन कहाँ पे, कहाँ पे, फोर वाला ऑप्शन है डी पे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और से सिंबल दे दिए, देखो ऐसे स्क्वायर में रहेगा सिंबल और ऊपर में एक ट्रायंगल रहेगा, उसे क्या कहेंगे, स्टार्टर कहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वही पूछा है कि कौन से स्टार्टर का सिंबल है, बीच में देखो स्टार और डेल्टा है, तो आप पहचान भी सकते हैं स्टार डेल्टा, तो स्टार डेल्टा ए पे, किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी के भी ऑप्शन दिखाते, देखो रियोस्टैट मतलब ये रेजिस्टेंस का सिंबल रहा, तो रियोस्टैट, डी ऑयल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लिखा है, किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पहले ही देखिए कौन सा वाला है, ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर भी नहीं था, तो हमारा क्या था, स्टार डेल्टा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा सिंबल देख लेना है, हो सकता है क्वेश्चन अगर चेंज हुआ तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद अभी देखो, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर, ठीक है। अभी देखो पिच के बारे में हमने डीसी जनरेटर डीसी मोटर में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आपने अगर वाला मॉड्यूल देखा है तो आपको पिच वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी हम शॉर्टकट में बता देते, पिच मतलब दोनों के बीच की दूरी, पिच मतलब क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो स्टंप लगे, ये स्टंप की, दो स्टंप के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। हमारे क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हम, अभी क्या कर रहे हैं, हम वाइंडिंग कर रहे हैं, तो दो वाइंडिंग दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला क्या करना है, आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो पिच फैक्टर का फार्मूला ध्यान में रखना है, फार्मूला आपका बी पे क्या है, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, मतलब वाइंडिंग की दूरी डिवाइडेड बाय पोल की दूरी, यही आपका फार्मूला का क्या है, पिच फैक्टर का है, किसी को भी दिक्कत नहीं, आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ पोल पिच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ स्लॉट इन एसी वाइंडिंग। देखो ओवर से फार्मूला पूछा है पोल पिच का भी, काय का फार्मूला पूछा है पोल पिच का, तो ये भी आपको याद कर लेना है, नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर, मतलब स्टेटर में कितने स्लॉट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, तो ध्यान में रखना है नीचे में पोल रहेगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। इसी के साथ क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी ब्रेक लेते हैं और ये वाला मॉड्यूल यहाँ पे हम रोक देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको कोई डाउट है, या तो आपके मन में कोई सवाल है, या तो आपका कोई सुझाव है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो। धन्यवाद, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।